हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे डिस्काउंट और इसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक चार्ट याद रखना है। अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो जब भी आपको मार्क्ड प्राइस गिवन होगा, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर गिवन होता है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस बोल दो या इसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हो आप। ठीक है, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस, जब भी इसमें अगर आपको डिस्काउंट गिवन होगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर है गाइस, कि अगर आपको मार्क्ड प्राइस यहाँ पे गिवन है, अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है तो आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अगर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, कुछ भी गिवन है, अगर सेलिंग प्राइस के बाद अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी गिवन है तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। क्लियर है, ये सिंपल सा आप लोगों ने चार्ट याद रखना है। अगर ये आपको चार्ट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो जाए, प्रॉफिट और लॉस या डिस्काउंट, ठीक है, मिक्सअप जो भी टाइप्स होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है गाइस, सो एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मार्क्ड प्राइस होता है वो क्या होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है यानी कि मार्क किया होता है, ठीक है, और इसको लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। अगर इसमें हम डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी हमें गिवन होता है निकालेंगे तो एट लास्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है, सो अभी हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेज देखते हैं। सो यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है डिस्काउंट। ठीक है, जो भी हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट और डिवाइड में हम मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई सो। ठीक है, जैसे कि हम सपोज पहले प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे, ऊपर हम प्रॉफिट रखते थे और नीचे यहाँ पे क्या रखते थे, कॉस्ट प्राइस से निकालते थे। लेकिन जब भी हम डिस्काउंट निकालेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे सो डिवाइड में हम यहाँ पे मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे हमेशा। क्लियर है गाइस, सो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आगे हम। जब भी हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, सो सेलिंग प्राइस का क्या होगा, मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सो जब भी हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है या मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है, सो उसके लिए आप लोगों ने ये नेक्स्ट फार्मूला याद रखना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है गाइस, सो नेक्स्ट एक लास्ट फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर यहाँ से सपोज करो आप लोगों ने डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। ठीक है, जब भी हम मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, सेम है यहाँ से, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो डिस्काउंट है इसको मैं इक्वल टू के उस साइड लेके गया प्लस में और ये SP इक्वल टू के इसके इस साइड माइनस में आ जाएगा। क्लियर है गाइस, सो ये तीन फार्मूले आप लोगों ने डिस्काउंट के याद रखने, इन्हीं तीन फार्मूलों को हम यहाँ पे क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹618। ठीक है, कोई भी एक आइटम है उसको बेचा गया ₹680 में, अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। सो हमने यहाँ पे क्या पता करना है, मार्क्ड प्राइस पता करना है। क्लियर है गाइस, सो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, सो सेलिंग प्राइस गिवन है 680 और यहाँ पे 15% डिस्काउंट गिवन है, सो हमने यहाँ पे MP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे MP की वैल्यू को, सो हमारे पास क्या फार्मूला था, SP इज इक्वल टू MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूले आप
अच्छे से याद कर लो या अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो जो भी मैंने यहाँ पे लास्ट में करवाए हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ठीक है, सो वैल्यूज़ आपको पता होंगी ठीक है, जो फॉर्मूलेज होंगे ठीक है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया है ठीक है। लेकिन यहाँ पे बार बार मैं फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 680 इज इक्वल टू MP, MP हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ पे कितना गिवन है, 15 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 680 इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से 85 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 850, 850 में से अगर हम यहाँ पे 170 माइनस कर देंगे, सो इट मीन्स यहाँ पे ये 8 पे जा रहा है। सो मार्क्ड प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, 800। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ शॉपकीपर ऑन द एवे ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट। ठीक है, दिवाली का त्यौहार है, सो उसके ऊपर टेलीविजन सेट्स के ऊपर वो क्या दे रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर्स को। ठीक है, सो फाइंड द सेलिंग प्राइस। सो हमने यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस पता करना है टीवी सेट का, इफ द मार्क्ड प्राइस ठीक है MP कितना गिवन है टीवी सेट का, 1000 रुपीज़, और यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स कितने हैं, 10% एंड 5%। सो यहाँ पे हमें दो डिस्काउंट गिवन है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जस्ट जितने मर्जी आपको यहाँ पे डिस्काउंट गिवन हो सकते हैं। सो आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, 100 माइनस D1 बाई 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस D2 बाई 100, 100 माइनस D3 बाई 100, सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट जितने मर्जी हो जाएं, सो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते जाना आगे। क्लियर है? सो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। सो मार्क्ड प्राइस यहाँ पे कितना गिवन है, 1000। सो यहाँ पे फर्स्ट कितना है, 100 सॉरी 10%। सो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 बाई 100 मल्टीप्लाई। सो सेकंड हमें डिस्काउंट कितना गिवन है, 5। सो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95 बाई 100। 2020 ये कैंसिल हो जाएगी, एक के साथ एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी और दूसरे के साथ ये कैंसिल हो जाएगी। सो 95 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 को 5 से करेंगे, 45, 4 कैरी चला जाएगा। 9 को 9 से करेंगे, 81 प्लस 4 85। सो यहाँ पे 855 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, अगर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट से पहले पे करा जाता है, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, तो उसको यहाँ पे 4% कम बिल पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो ड्यू डेट से पहले पे करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये स्कीम आई हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट से पहले बिल पे करता है, पर्सन को कितना रिडक्शन मिलता है, 13 रुपये का रिडक्शन यहाँ पे उसको मिलता है। ठीक है, सो हमने अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका टोटल कितना बिल था ये हमने पता करना है। ठीक है, सो टोटल हम मान लेते हैं कि उसका बिल कितना है, टोटल एक्स उसका टोटल बिल है। ठीक है, सो यहाँ पे 4% ऑफ टोटल, टोटल कितना एक्स, सो ये 4%, ये 4% हमें क्या गिवन है, रिडक्शन, जो यहाँ पे रिडक्शन गिवन है ठीक है वो गिवन है, इज इक्वल टू ये जो रिडक्शन है हमें कितने गिवन है यहाँ पे, 13 रुपये। ठीक है, सो ये क्या है यहाँ पे, ये भी रिडक्शन है और ये भी क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इक्वेशन को क्या करके चलते हैं, बैलेंस्ड करके चलते हैं, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट करा था उसमें जैसे एग्जाम्स वाले हमने क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम पासिंग मार्क्स लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या लेंगे, पासिंग मार्क्स लेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज में रिडक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें रुपीस में रिडक्शन गिवन है, सो हम दोनों को यहाँ पे इक्वल रख लेंगे। सो यहाँ से 4 बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 13,
4 से 100 ये 25 पे चला जाएगा, सो डिवाइड में इक्वल टू क्यू साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 25 को 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 को 3 से करेंगे 75, 7 कैरी। 25 को 1 से करेंगे 25 प्लस 7 32। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 325, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ऑन अ एमपी, ठीक है, मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड द टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% इज ₹72। सो यहाँ पे हमें जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो गिवन है 72। सो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यानी कि SP माइनस SP2 इज इक्वल टू 72, ये हमें बेसिकली यहाँ पे गिवन है। क्लियर है गाइस? सो एक के ऊपर डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पे 30%, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो यहाँ पे, दो डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो दूसरा सेलिंग प्राइस है उसमें यहाँ पे दो डिस्काउंट गिवन है। सो दो डिस्काउंट को हमने यहाँ पे एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। सो दो डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, ठीक है, एवरेज में, बहुत सारे चैप्टर में एक ट्रिक यूज़ हो रही है, सो वो मैंने बताई थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नियरली अबाउट 7 to 8 चैप्टर्स में यूज़ होगी, ठीक है। सो वो कौन सी ट्रिक है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, ठीक है। अगर तो कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, आर्टिकल अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ पे किस में लेनी है वैल्यू, प्लस में लेनी है। अगर तो आर्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो हमने वैल्यू किस में लेनी है, माइनस में। सो यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, जब भी कोई भी शॉपकीपर कस्टमर को यहाँ पे डिस्काउंट देता है तो वो किस में देगा, माइनस में देगा, ठीक है, यानी कि माइनस रिडक्शन होती है ना जो डिस्काउंट होता है। सो इसलिए हमने डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लेनी है वैल्यू, ठीक है, ये आप लोगों ने डिस्काउंट में याद रखना है। सो पहला कितना है -20, सो -20, और दूसरा कितना है -10, सो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई है, सो -20 -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, साइन की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, 2020 ये कैंसिल हो जाएगा। सो -30 प्लस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -28। सो इन दोनों का जो कंबाइंड डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 28% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 मत कर देना कि दोनों को प्लस कर दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का हम कंबाइंड निकालेंगे वो कितना आएगा इनका, 28% इनका डिस्काउंट आएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या गिवन है हमें, डिफरेंस 72। सो सेलिंग प्राइस का, ठीक है, आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रख लेना। सो इससे आगे मैं शॉर्टकट ही आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो मार्क्ड प्राइस हमने यहाँ पे पता करना है, सो मार्क्ड प्राइस को हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट पहला हम यहाँ पे पुट करते हैं 28, सो 100 माइनस 28 करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 100 माइनस 28 72 डिवाइडेड बाय 100 एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स मैंने क्या माना है यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट की वैल्यू 28 पुट करी, 100 माइनस 28 72 मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस जो मैंने एक्स माना है, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे 100, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस जो दूसरा वो कितना गिवन है हमें 70, 30 गिवन है, 100 माइनस 30 कितना आएगा 70x बाय 100 इज इक्वल टू 72। क्लियर है गाइस? सो डिफरेंस गिवन है हमें, सो यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है यहाँ पे सेम है, सो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 72। सो 2 से 72 36 पे कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600। सो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस यहाँ से आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस केस में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो ये जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये कैसे किया है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो डिस्काउंट गिवन है उसको हमने एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया कन्वर्ट करने का, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, क्लियर गाइस। सो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये 7 to 8 चैप्टर्स में, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स में ये यूज़ होगा, ठीक है। जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें ये यूज़ होगा। सो आप लोगों ने ध्यान रखना है इस ट्रिक का। सो डिस्काउंट को जैसे मैंने पहले बताया क्या होता है, डिस्काउंट रिडक्शन माइनस करते हैं, सो माइनस करेंगे, सो माइनस ट्वेंटी सो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन की भी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, सो 20 के साथ ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, सो माइनस ट्वेंटी माइनस 40, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 4। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -36। सो -36 इट मीन्स, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव में ही आता है, सो 36% आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है गाइस। सो आई होप आप लोगों को अभी डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि दो या दो से ज़्यादा डिस्काउंट अगर आते हैं तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो तीन डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, दो डिस्काउंट है उसको हमने सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, सो -20 -5 यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, सो 20 multiply 5 by 100, सो 20 पे ये 5 पे जाएगा, 5 पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सो ठीक है, सो -25 + 1, ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -24, मतलब 24%, दैट इज़ बी ऑप्शन, क्लियर है गाइस। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी भी डाउट स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे प्लस साइन क्यों आ रहा है, ठीक है, सो -20 -5 + -20 और -5 by 100, ठीक है। सो यहाँ पे जो दोनों साइन है मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, सो इसलिए यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का ही आएगा, क्लियर है गाइस। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट, इसको हमने एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। सो 10%, 20% और 30% यहाँ पे तीन है, तीनों को हमने एक में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे ट्रिक वही रहेगी, हम ट्रिक को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उसको हम यहाँ पे थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, क्लियर है गाइस। सो पहले हम 10 और 20 का निकाल लेते हैं, सो -10 -20 + 10 multiply 20 by 100, 20 के साथ ये 20 क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये -30 + 2 दैट इज -28, सो यहाँ पे 28% आ जाएगा इन दोनों का। अब इस 28 को हम किससे करेंगे, यहाँ पे 30 के साथ, ठीक है, 30 के साथ, सो कितना आ जाएगा, -28 - 30 28 multiply 30 divided by 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सो ये कितना आ जाएगा, -58। अब 28 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे 24, 2 कैरी चला जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 + 2 = 8, सो यहाँ पे नीचे एक जीरो है, एक डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्लियर गाइस। सो आई होप आप लोगों ने पहले वो डेसिमल की जो वीडियो है वो देख ली होगी, ठीक है, कैसे हम पॉइंट्स को एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, अगर नीचे यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है, अगर यहाँ पे दो डिजिट्स हैं तो आप लोगों ने दो डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, क्लियर है। अगर आप चाहो तो डेसिमल की वीडियो जो मैंने डिटेल में बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें मैंने नियरली अबाउट 40 to 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, वो आप लोगों को कम्प्लीटली चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 49.6, सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 49.6%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग प्राइस अ बुक, ऑन सेलिंग अ बुक, ठीक है, अगर वो बुक को खरीदता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है, और
10% का डिस्काउंट देते हैं ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, जो भी मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रेशियो पता करनी है कॉस्ट प्राइस और एमपी की, ठीक है, इट मीन सी पी अपॉन एमपी, ये हमने यहाँ पे रेशियो पता करनी है कितनी आएगी। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, सो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, कितना गिवन है 10, सो 100 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पे 90 बाय 100। क्लियर है? सो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, सो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी एस पी इज इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई 9 बाय 10, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी ये। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। सो आगे हम ऐसी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सो उसके बाद हमें यहाँ पे 12% क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। सो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस में। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है सीपी, ठीक है। सो यहाँ पे ये पुट कर देंगे, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 12 गिवन है, 100 प्लस 12 कितना होगा 112 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे सीपी। सो 4 के टेबल पे ये 23 पे कैंसिल होगा और ये 20 पे कैंसिल होगा। क्लियर है? सो ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ से इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है सेम है, सो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इनकी सेम। या तो आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस की जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, तब भी एक ही बात हो जाएगी। सो यहाँ पे 23 बाय 20 सी पी इज इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई 9 बाय 10। सो यहाँ पे हमने ये 4 के टेबल पे कैंसिल करा था, सो यहाँ पे 25 पे जाएगा और ये 28 पे जाएगा। क्लियर है? सो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। सो यहाँ पे 28 आएगा और नीचे कितना आएगा 25 आएगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे ये 5 के टेबल पे 2 पे कैंसिल होगा और ये 5 के टेबल पे 5 पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमने सी पी अपॉन एम पी की रेशियो निकालनी है। सो यहाँ पे सी पी ऊपर रखेंगे, ये एम पी है जो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उससे डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे कितना है 9 बाय 2 और ये जो 5 है, ये जो 5 है डिवाइड में इक्वल टू क्यू साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। और यहाँ पे ये जो 28 है ऊपर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के, ये किस में जाएगा यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। सो इसको हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 को 5 से करेंगे 45, 28 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 56। सो सी पी अपॉन एम पी की यहाँ पे रेशियो कितनी आ जाएगी 45/56। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कुछ नहीं, ऐसे में जस्ट सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे दो फार्मूलेज लगाए हैं, ठीक है। सो एस पी और जो एम पी का फार्मूला था, ठीक है, मार्केट प्राइस के रिगार्डिंग, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला था, जस्ट दो को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे दोनों की साइड यहाँ पे इक्वल थी, ये साइड इक्वल है तो हमने ये साइड भी यहाँ पे इक्वल रख दी। सो यहाँ से हमने सी पी अपॉन एम पी का यहाँ से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद इसको सॉल्व करो और फिर इसको देखो कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है आर्टिकल का कितना, 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ऑफ द मार्क्ड प्राइस। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सो आगे मार्क्ड प्राइस। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ गेन ऑफ 25%, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 25, 125 बाय 100 इंटू सी पी, ठीक है। सो ये फार्मूला होता है जैसे मैंने लास्ट में बताया था इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज में, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रेशियो किसकी निकालनी है, एम पी अपॉन सी पी की, ठीक है, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे रेशियो निकालनी है। सो ये 25 पे 5 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। सो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। सो दोनों को सेम रख देते हैं, 3/4 एम पी इज इक्वल टू 5/4 सी पी, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो एम पी
ये सीपी मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर कितना 5, और ये नहीं 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ से रेशियो कितनी आ जाएगी, 5:3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एंड आर्टिकल 50, ठीक है, हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है, एमपी की वैल्यू 50, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। सो उसको प्रॉफिट कितना होता है आगे, 25% का प्रॉफिट होता है। सो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सीपी की वैल्यू पता करनी है, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे पहले हम क्या पता कर लेंगे, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस कैसे पता करेंगे, मार्क्ड प्राइस कितना है 50 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, 80 बाई 100। सो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल पे ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया, क्लियर है। आगे हमें प्रॉफिट गिवन है, सो प्रॉफिट का हम वही सेम फार्मूला लगा देंगे, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सी पी। सो 40 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, नीचे कितना 100, आगे क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में सी पी। सो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल पे ये 8 पे चला जाएगा। सो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये जो 4 डिवाइड में है इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो कितना आ जाएगा 32, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, सो इससे मैं आई थिंक मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत तेज करा रहा हूँ होऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली इसकी सो एक ही पार्ट बनाऊंगा डिस्काउंट का, और इसमें हम क्वेश्चन नियरली अबाउट मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कवर कर सकें, क्लियर है गाइस। अगर आपको वीडियो तेज लग रहा हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट से मैं क्या करूँगा, सो वीडियो को थोड़ा स्लो ही रखूँगा, क्लियर है गाइस। सो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आया 32। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेलर मार्क्स इज गुड्स 30% अबव देयर कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 15% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। सो हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वेन सोल्ड इन कैश, ठीक है। सो हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और हमें यहाँ पे सी पी भी नहीं गिवन, ठीक है। सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, सो जब भी आपको दो वेरिएबल्स यहाँ पे निकालने हों, ठीक है, गिवन हों, लेकिन जो वैल्यू है आप लोगों ने एक की निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, सो कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस को आप चाहो तो एक्स मान सकते हो या फिर आप चाहो तो 100 मान सकते हो, ठीक है। अगर हम 100 मान के चलेंगे तो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो सी पी को हम यहाँ पे 100 मान के चलते हैं, 100 मान के चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अ सेलर मार्क्स हिज गुड्स, ठीक है, गुड को ऊपर मार्क कर रहा है, मार्क मीन्स मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपी 30% ज़्यादा जितना कॉस्ट प्राइस था। सो यहाँ पे 30% ज़्यादा है, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई। सो मैंने परसेंटेज के केस में यहाँ पे बताया था कि अगर 30% ज़्यादा है सो हम 100 प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे 30% कम कहा जाता तो हम 100 से माइनस करते, क्लियर है। सो ये हमने ट्रिक्स, ठीक है, परसेंटेज के केस में पढ़ा है पीछे। सो यहाँ पे अबोव है 30%, सो हम कितना करेंगे 130/100, 100 से 100 कैंसिल, सो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, बट अलाउ 15% डिस्काउंट। सो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस 130 मल्टीप्लाई डिस्काउंट, सो 100 माइनस 15 कितना आ जाएगा 85/100 आ जाएगा। सो एक जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 17 पे और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल पे। सो 17 को 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा 221/2, सो इसको कैंसिल करेंगे, सो कितने पे जाएगा ये 110.5 पे यहाँ पे कैंसिल होगा। सो एक आर्टिकल को मैंने 100 का खरीदा और मैंने उसको 110.5 में बेच दिया, ठीक है। सो मुझे क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट कितने को होगा मुझे 10.5,
और यहाँ पे नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10.5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो क्या था, पी अपॉन सी पी इंटू 100। सो जस्ट मैंने ये फार्मूला यहाँ पे पुट करा और यहाँ पे वैल्यू मैंने निकाल ली प्रॉफिट परसेंटेज की। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, जो हमने ये प्रॉफिट लॉस के केस में करे थे, ठीक है। सो अगर आप डिस्काउंट से पहले, ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखा है, देन बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है ये आगे का टॉपिक, ठीक है। अगर तो आपने नहीं देखा तो आई सुजेस्ट यू कि आप पहले वो देखें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे हम। अ रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के ऊपर जो नीचे लिखे डिस्काउंट्स है वो दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, दो यहाँ पे डिस्काउंट है 10% और 10% के। सेकंड इक्वेशन क्या है कि डिस्काउंट ऑफ 12% फॉलोड बाय डिस्काउंट ऑफ 8%, यहाँ पे भी दो डिस्काउंट है। थर्ड क्या है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%, ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यहाँ पे एक डिस्काउंट गिवन है। सो द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर द विच स्कीम, सो किस स्कीम में यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। सो आप सोच के देखो कि आपको सेलिंग प्राइस कब कम मिलेगा, जब आपको जो शॉपकीपर है डिस्काउंट अगर आपको ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। सपोज करो अगर मार्केट प्राइस किसी भी आर्टिकल के ऊपर 100 रुपये है, अगर तो वो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो आपको कितने में मिलेगी, 80 रुपये में। अगर तो वो यहाँ पे डिस्काउंट 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको कितने की मिलेगी, वो 70 रुपये की मिलेगी, ठीक है। सो उन्होंने क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस कब कम से कम होगा, सो कम से कम कब होगा, जब डिस्काउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। क्लियर है? सो इस जो हमें यहाँ पे फोर स्कीम्स गिवन है, अगर जिस पार्ट में भी डिस्काउंट ज़्यादा आएगा उसमें सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं। सो फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पे दो डिस्काउंट गिवन है 10-10% के। सो -10 -10 +10 मल्टीप्लाई 10/100। सो यहाँ पे ट्रिक आपको पता ही है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, जस्ट हम वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो दो जीरो के साथ ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, सो -20 + 1 कितना आ जाएगा, -19। सो यहाँ पे पहला डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 19% आ जाएगा। सो सेकंड देख लेते हैं कितना, यहाँ पे 12% और 8%। सो -12 -8 -, हो जाएगा 12 × 8/100। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20 + 96, और दो जीरो से पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सो कितना 96.96 आ जाएगा। सो -20 में से 0.96 माइनस करेंगे, -19.04%। सो यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 19.04। आगे हम यहाँ पे थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड कितना है, -15 -5 + 15 × 5/100। सो -20 + 75 कितना आ जाएगा, 0.75, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू, -19.25% आ जाएगी। क्लियर है? सो आगे फोर्थ, फोर्थ क्या है, यहाँ पे सिर्फ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, ए डिस्काउंट, मतलब कि यहाँ पे एक डिस्काउंट की बात हो रही है, सो 20% की, ठीक है। सो यहाँ पे, ठीक है, ये भी माइनस में ले, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा रिडक्शन माइनस में होता है। सो यहाँ पे डिस्काउंट किस केस में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19.04, यहाँ पे 19.25, यहाँ पे 20%। सो जो स्कीम फोर्थ है इसमें जो डिस्काउंट है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है, सो इसमें डिस्काउंट ज़्यादा आ रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ मैन बाउट एन आर्टिकल लिस्टेड एट 1500, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे, लिस्टेड, ठीक है, लिस्ट मतलब मार्क, जो उसके ऊपर मार्क हुआ है, 1500 रुपये। डिस्काउंट कितना गिवन है, 20% ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट 20% गिवन है। सो वट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर टू द मैन, ठीक है, 20% के साथ दूसरा कितना डिस्काउंट वो उस आदमी को ऑफर करे
जिससे नेट प्राइस है उस आदमी को कितने का मिले, वो 1104 रुपये का मिले। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 1104 रुपये। डिस मार्केट प्राइस कितना गिवन है, 1500 रुपये। एक डिस्काउंट हमें गिवन है यहाँ पे 20%, और दूसरा डिस्काउंट हमने यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, सो उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। सो यहाँ पे जस्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था। एस पी इज इक्वल टू एम पी, 100 माइनस D1 बाई 100, 100 माइनस D2 बाई 100। ठीक है, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 1104 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना है, 1500 इंटू D1 कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 100 माइनस 20, 80 बाई 100 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 x यहाँ पे माना था हमने दूसरा डिस्काउंट, डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे 20 के साथ ये 20 कैंसिल हो जाएगी, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा 20 के टेबल पे। ठीक है, सो 5 पे ये 15 कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। क्लियर है गाइस? सो 4 के टेबल पे 1104 को कैंसिल कर देंगे, 8 यहाँ पे 2 पे जाएगा, 3 बच जाएगा 37 पे, 28 चला जाएगा, 2 बच जाएगा 24 यहाँ पे 6 पे चला जाएगा। सो इसको आगे 3 से कैंसिल कर देते हैं, 9 पे 27 और 6 यहाँ पे 2 पे चला जाएगा। क्लियर है? सो मैं यहाँ पे आपको यही सुजेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस दैट कि आप लोगों ने इसको कैंसिल करना है, जो भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करनी, कभी भी आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। क्लियर है? सो वो सभी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स जो कैलकुलेशन के, वो मैंने वैदिक मैथ जो वीडियो है, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सभी शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 92 इज इक्वल टू 100 माइनस x। सो ये x इक्वल टू के उस साइड प्लस में जाएगा, सो यहाँ पे 100, ये 92 इस साइड माइनस में आ जाएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। सो दूसरा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8%। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं आगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा वो अपना मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्क्स करता है गुड्स के ऊपर। ठीक है, देन अलाउ 15% डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे रहा है हमें। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, सो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता करना है ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच ही गेन्स ₹84, और उसके ऊपर वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ₹84 यहाँ पे कमा रहा है। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। यहाँ पे हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि हमने वही वैल्यू तो निकालनी है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है। ठीक है, सो उसको हम एक्स मान के चलेंगे। सो यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है कितना, कि वो 30% ज़्यादा मार्क कर रहा है कॉस्ट प्राइस से। सो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना, सो इससे 30% ज़्यादा। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था परसेंटेज के केस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, अगर तो अबव या मोर देन आ जाए तो हम 100 प्लस करते हैं, अगर लेस देन आ जाए तो 100 माइनस करते हैं। सो 30% अबव मीन्स 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस 30 130 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना था। क्लियर है गाइस? सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया, अब इसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे रहा है। सो जैसा कि मैंने चार्ट बताया था, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट जब भी मिलेगा तो हमें हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। सो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 15% यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट गिवन है। सो मार्केट प्राइस कितना है, 13 बाई 10 x मल्टीप्लाई, सो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे डिस्काउंट का फार्मूला लगा देंगे इन द केस ऑफ एस पी इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, मल्टीप्लाई वही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सो ये यहाँ पे 17 पे कैंसिल होगा और ये यहाँ पे 20 पे कैंसिल होगा। ठीक है, 5 के टेबल पे। सो यहाँ पे 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 221 x है साथ में, और नीचे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। सो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है।
सो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है, 84 गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है यहाँ पे, 221x/200 गिवन है। माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, एक्स है। सो एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे। सो यहाँ से सिंपल एलसीएम लेंगे हम, 200 यहाँ पे जाएगा। सो 220 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 21x/200। क्लियर है। सो 21 पे 84 को कैंसिल करेंगे 4 पे। सो ये जो 200 है इक्वल टू को साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 4 800। सो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अ मर्चेंट हैज अनाउंस 20% रिबेट। ठीक है, रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, आप लोग अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेना, इस वर्ड को पूछ लेते हैं ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। सो रीबेट होता है डिस्काउंट। सो 25% डिस्काउंट दे रहा है ऑन प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, 25% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। इफ़ अ परचेसर नीड्स टू हैव अ रिबेट ऑफ 400 रुपीज़, जो परचेसर है खरीदने वाला ठीक है, उसको यहाँ पे 400 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। देन हाउ मैनी शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 320 रुपीज़ शुड ही परचेज। वो यहाँ पे कितनी शर्ट खरीदेगा अगर वहाँ पे एक शर्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 320 रुपये है। सो यहाँ पे हमें ठीक है मार्क्ड प्राइस है शर्ट के ऊपर ऑफ अ शर्ट। सो कितना है यहाँ पे, 320 रुपीज़। ठीक है, 320 रुपये यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है। सो इसके ऊपर उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट 320 के ऊपर यहाँ पे 25% मिल रहा है यहाँ पे एक के ऊपर। सो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 25 पे ये 5 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा और ये 16 पे चला जाएगा। सो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 80 रुपये, 80 रुपये उसको डिस्काउंट मिल रहा है। सो टोटल उसको डिस्काउंट कितना मिला है यहाँ पे, 400 रुपये। तो हमें पता लग जाएगा सो यहाँ से उसको कितनी शर्ट्स मिलेंगी। सो नंबर ऑफ शर्ट्स कितना आ जाएगा, 400 उसको टोटल डिस्काउंट मिला है, एक शर्ट में से कितना मिल रहा है उसको, 80 रुपीज़। सो इसको डिवाइड कर देंगे कितने पे जाएगा, 5 पे। सो यहाँ पे टोटल शर्ट्स, उसको टोटल कितनी शर्ट्स मिलेंगी, 5 शर्ट्स मिलेंगी। क्लियर है गाइस कि यहाँ पे जो टोटल डिस्काउंट था ठीक है उसको 400 रुपये गिवन था और एक शर्ट के ऊपर ठीक है, अगर तो वो एक शर्ट खरीदता है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक शर्ट के ऊपर उसको 80 रुपये डिस्काउंट मिलता है ठीक है। सो यहाँ पे उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, उसने सपोज करो यहाँ से एक्स शर्ट खरीदी और एक्स शर्ट पे उसको कितना मिल गया यहाँ पे, 400 डिस्काउंट मिल गया ठीक है। सो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 4। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 1 400, सो इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 80। सो 80 से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे। सो एक्स हमने यहाँ पे टोटल शर्ट ठीक है एक्स शर्ट्स खरीदी थी। सो एक्स शर्ट मीन्स यहाँ पे उसने 5 शर्ट्स खरीदी हैं ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो ठीक है। दोनों यहाँ पे मेथड्स क्या हैं, सिंपल हैं ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि यहाँ पे उसने एक शर्ट के ऊपर उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, 80 रुपये का। उसने एक्स शर्ट्स खरीदी उसके ऊपर उसको 400 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। सो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल। क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ शॉपकीपर सेल्स नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹457 ईच एंड अर्न्स अ कमीशन ऑफ 4% ठीक है। कि ये शॉपकीपर है, अगर तो वो एक नोटबुक बेच रहा है 457 की, उसको यहाँ पे कमीशन मिलता है 4% का ठीक है। ही आल्सो सेल्स पेंसिल बॉक्सेस एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। हर जो यहाँ पे बॉक्स है पेंसिल की 80 रुपये की वो बेचते हैं और उसको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है 20% ठीक है, 20% यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ कमीशन विल ही अर्न इन 2 वीक्स ठीक है, 2 हफ्तों में वो टोटल कितना कमीशन कमाएगा। इफ़ ही सेल्स 10 नोटबुक्स एंड 6 पेंसिल्स बॉक्सेस अ डे, अगर तो वो एक दिन में 10 नोटबुक्स खरीद बेच रहा है
और यहाँ पे 6 पेंसिल बॉक्स बेच रहे हैं, तो वो 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिन में यहाँ पे टोटल कितना कमीशन कमाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्लियर है गाइस? सो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 457 रुपीज़, ठीक है। कमीशन इस पे कितना मिल रहा है उसको, 457 पे 4% कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और ये एक दिन में कितने बेच रहा है, यहाँ पे 10 बेच रहा है, क्लियर है। प्लस यहाँ पे हम एक दिन का निकाल रहे हैं ये, ठीक है, 1 डे का। उसके बाद जो पेंसिल है 80 बॉक्स है, सॉरी एक बॉक्स 80 रुपये का है। यहाँ पे उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 20% का, ठीक है। हम यहाँ पे कमीशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक दिन में कितनी पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, वो 6 यहाँ पे बेच रहा है। क्लियर है गाइस? इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 के टेबल पे 2 पे चला जाएगा, और ये 5 पे चला जाएगा, और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 को 2 से करेंगे 14, 1 कैरी चला जाएगा। 5 को 2 से करेंगे 10 प्लस 1 11, 1 कैरी चला जाएगा। 4 को 2 से करेंगे 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, यहाँ पे 6 को 8 से करेंगे 48 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा। आगे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल पे ये यहाँ पे जाएगा 1 पे, 4 बच जाएगा, 48 पे जाएगा 1 बच जाएगा, 2 पे जाएगा, यहाँ पे 0.8 पे जाएगा। आगे हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 278.8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एक दिन का, ठीक है, एक दिन का आ गया। हमने यहाँ पे कितने दिन का निकालना है, 14 डेज का निकालना है। हमने यहाँ पे 14 दिन का निकालना है। 14 से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम अगर इसको नियरली अबाउट 280 लिख लेते हैं, इसको नियरली अबाउट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 14 से, ठीक है। 28 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से करेंगे 32, 2 3 कैरी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 प्लस 8, 16, 19, 1, 2 और 3। ये कितना आ जाएगा, 3920 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हैं नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, नियरली अबाउट 2000 से बिल्कुल कम है, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3920, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसके ऊपर वो 23% का कमीशन दे रहा है, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। वो अभी भी 10% यहाँ से क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इफ ही गेन्स ₹56 ऑन वन आइटम, एक आइटम के ऊपर अगर वो ₹56 यहाँ पे कमा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है। हिज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ आइटम इज, यहाँ पे हमने पता करना है कि एडवर्टाइज प्राइस कितना है। हम मान लेते हैं एडवर्टाइज प्राइस कितना है, X, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे पता करना है कितना आएगा। लेट्स डू इट। यहाँ पे कमीशन वो कितना दे रहा है, 23% दे रहा है। कितना आ जाएगा, 23% ऑफ द X, ठीक है, टोटल का 23% दे रहा है। यहाँ से कमीशन कितना दे रहा है, 23x/100। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं आफ्टर कमीशन, ठीक है, कमीशन के बाद सेलिंग प्राइस, ठीक है, कमीशन निकाल दो, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा जितने का उसने बेचा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है कि शॉपकीपर अलाउ कर रहा है 23% का कमीशन जो भी उसके एडवर्टाइज्ड प्राइस हैं, और स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट, और अभी भी वो प्रॉफिट 10% कमा रहा है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट उसमें कमीशन देने के बाद। कमीशन निकाल देते हैं। कमीशन निकालने के बाद वो क्या आएगा, प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, क्लियर है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है, एक्स हमने माना, एक्स में से ये कमीशन माइनस कर देते हैं उसका। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 77x/100,
ठीक है। सो सेलिंग प्राइस आ गया। अभी उसको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता ही है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे 100 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 77x/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 10% का हो रहा है। 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। सी पी निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 पे 77 7 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 7x/10, ठीक है। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। आगे उसको प्रॉफिट कितना गिवन है, 56 रुपीज़, ठीक है, ये प्रॉफिट है। 56 रुपीज़ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फार्मूला आगे क्या होता है, पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 56, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, 77x/100 और कॉस्ट प्राइस कितना है, 7x/10। यहाँ से 100 एलसीएम आ जाएगा। 77x-10 से 100 कैंसिल करेंगे, 10 और 70x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 56। यहाँ पे कर लेते हैं कि 56 इज इक्वल टू 77 में से 70 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7x/100। 7 से 56 8 पे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। क्लियर है गाइस? यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अ मर्चेंट परचेसिज अ रिस्ट वॉच, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट वॉच वो खरीद रहा है कितने की, 450 रुपये की। खरीद रहा है मतलब कि कॉस्ट प्राइस गिवन है उसका, एंड फिक्सिस इट्स लिस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट 10%। और डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे, 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट वो 20% कमा रहा है यहाँ पे। देन द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, यहाँ पे मार्केट प्राइस हमने पता करना है कितना होगा। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है, 120%। 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 यहाँ पे। ये 6 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा। 5 के टेबल पे ये 9 और 0 साथ में है। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 54 और साथ में 0 है। सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 540, ठीक है। 450 का उसने खरीदा और कितने का बेच रहा है, 540 रुपये का वो आगे बेच रहे हैं। हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है। डिस्काउंट हमें गिवन है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 540। मार्क प्राइस यहाँ पे हमने क्या निकालना है और डिस्काउंट हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 10%। 100-10 कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई दिस वन। और 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 54 यहाँ पे 6 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि अ शॉपकीपर मार्क 50% मोर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से वो 50% ज़्यादा मार्क कर रहे हैं। अगर वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30%, देन द प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हमको मानना पड़ेगा कितना, 100 रुपीज़। इसके ऊपर वो मार्क कितना कर रहा है, 50% ज़्यादा कर रहा है। कितना आ जाएगा, 150 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, 50% ज़्यादा इससे। 150। और डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे, 30% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस 150 इंटू 100-30, 70/100। 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 को 7 से करेंगे, 105। वो 100 रुपये का खरीद रहा है और यहाँ पे 105 का बेच रहा है।
सो इट मीन्स उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आगे हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो का, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या है, अ मैन परचेज्ड अ शर्ट एंड पैंट विद अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस। सो यहाँ पे हमें डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। यहाँ पे क्या है कि ए मैन परचेज्ड, यानी कि वो खरीद रहा है, सो खरीद रहा है यहाँ पे 25% के डिस्काउंट के ऊपर, जो भी उसको मार्क्ड प्राइस के ऊपर गिवन है। सो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, सो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 25, 75% ऑफ द एमपी। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा 25 के टेबल पे। सो यहाँ पे हमने आगे क्या है कि ही सोल्ड देम एट अ प्राइस ऑफ 40% मोर देन द प्राइस ऑफ एट विच ही बाउट देम। जितने का खरीदता है उससे 40% का उसको ज़्यादा का बेच देता है। सो 40% यहाँ पे क्या गिवन है हमें, प्रॉफिट गिवन है ये। सो हाउ मच परसेंट द न्यू सेलिंग प्राइस टू इट्स मार्क प्राइस। सो हमने यहाँ पे परसेंटेज पता करनी है न्यू सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की, ठीक है गाइस? सो यहाँ पे हम मार्क प्राइस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4x आ जाएगी। सो यहाँ पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 40। सो 140/100 इंटू सीपी, सो सीपी कितना है यहाँ पे, 3/4x। सो ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 21x/20 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो हमने यहाँ पे परसेंटेज जो निकालनी है न्यू सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस की निकालनी है दोनों में, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का। सो कितना आएगा डिफरेंस, 21x/20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, ऊपर हम क्या कंपेयर करते हैं, ठीक है, और टू होम वी कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, ठीक है। सो वट वी कंपेयर, टू होम वी कंपेयर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जैसा कि मैंने परसेंटेज में बताया था, मल्टीप्लाई 100, ऊपर हम क्या कंपेयर करते हैं वो, और जिसके साथ कंपेयर करना है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। हम कंपेयर यहाँ पे दोनों को कर रहे हैं, सो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है, मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे, एक्स माना था हमने, सो यहाँ पे नीचे एक्स मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ से ये एलसीएम जाएगा, सो 20, 21 माइनस 20 कितना आ जाएगा ऊपर 1x, नीचे कितना है 20, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 100, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 20 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 5 पे। सो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 5%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमने वैल्यू जो गिवन थी वो निकाल ली, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, जो भी हमें प्रॉफिट गिवन था, सो इसी के साथ हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल ली, जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि हमने परसेंटेज निकालनी है सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस की। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5%। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको कोचिंग है, जो कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन, यही मेरा मेन फोकस है, एजेंडा है कि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकूँ, तभी आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनको क्रैक कर सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दो, या SSC का एग्ज़ाम दो, या CTET, PTET, whatever, जो भी आप देना चाहते हो। क्लियर है गाइस? सो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, वीडियोस को, उनको भी पता चले कि यहाँ पे आपको फ्री में कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।